हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पोस्टल मास्टर एसकेबी के साथ। दोस्तों, बुढ़ापे का सारा पेंशन होता है, लेकिन उस पेंशन को पाने के लिए हमें हर वर्ष अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता है या एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता है जिस विभाग में हम जॉब करते थे या जिस विभाग से हमें पेंशन प्राप्त हो रही है। तो दोस्तों, जो भारत सरकार है उसके डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर द्वारा दिनांक 30 सितंबर 2022 को एक लेटर जारी किया गया, ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया, जिसका विषय है सबमिशन ऑफ एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट। उसके माध्यम से दोस्तों बताया गया कि आपको कब तक अपना एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना है, कब तक आपको अपना एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट कराना है ताकि आपकी पेंशन ना रुके और आपको सीधे पेंशन प्राप्त होती रहे। तो शुरू करते हैं दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा आप किस प्रकार अपना एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं और आपका जमा करवा सकते हैं। इसके भी आपके लेटर के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं दोस्तों, एवरी सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर हैज टू सबमिट एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट इन द मंथ ऑफ नवंबर फॉर फर्दर कंटिन्यूएशन ऑफ पेंशन। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन है उनको अपना एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट नवंबर माह में जमा करना होता था अपनी पेंशन जारी रखने के लिए। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट ए लार्ज नंबर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर फिजिकली विजिट बैंक ब्रांचेस फॉर दिस पर। इस उद्देश्य के लिए एक बड़ी संख्या में पेंशनर फिजिकली विजिट बैंक में विजिट करते हैं एज ए मेजर टू इनेबल एंड एडिशनल एक्सक्लूसिव विंडो टू एवरी सीनियर पेंशनर। दिस डिपार्टमेंट वाइड ओएम नंबर हैज अलाउड टू पेंशनर इन द एज ग्रुप ऑफ 80 ईयर ओल्ड एंड अबाउट टू सबमिट एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट फ्रॉम 1 अक्टूबर ऑनवर्ड इंस्टेड ऑफ 1st नंबर ऑनवर्ड एवरी ईयर। तो दोस्तों, जो अति वरिष्ठ पेंशन भोगी है उनके इसको विशेष सक्षम करने के लिए इस विभाग ने अपने दिनांक 18/7/2000 कार्यालय के ज्ञापन संख्या के में 1 नवंबर के बजाय 1 अक्टूबर से वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए कहा है। यानी कि अब आप 1 अक्टूबर से जो अपना एनुअल सर्टिफिकेट है वो जमा कर सकते हैं। द डिफरेंट मोड अवेलेबल टू पेंशनर फॉर सबमिशन ऑफ एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट आर वंस अगेन समराइज्ड फॉर पेंशनर अवेयरनेस। एन एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट कैन बी सबमिटेड मैनुअल डिजिटली एज पर कन्वेंस ऑफ द पेंशनर बाय फॉलोइंग मोड। तो दोस्तों, आप अपना एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट आप डिजिटली और मैनुअली दोनों तरह से बनवा सकते हैं। आप कहाँ अपना डिजिटल और मैनुअल जो अपना जीवन लाइफ सर्टिफिकेट है वो बनवा सकते हैं, उसके विवरण नीचे दिया गया है। द लाइफ सर्टिफिकेट कैन बी रिकॉर्डेड बाय पेंशन डिस्पर्सिंग अथॉरिटी इफ द पेंशनर फिजिकली अपीयर बिफोर द पीडीए। यदि जो पेंशनर है वो फिजिकली विजिट करता है पीडीए दफ्तर पर तो आप वहाँ जाकर भी अपना एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तो पर्सनल अपीयरेंस ऑफ ए पेंशनर विल नॉट बी रिक्वायर्ड इफ द पेंशनर सबमिट द लाइफ सर्टिफिकेट फ्रॉम सिग्न बाय एनी डेजिग्नेटेड ऑफिशियल। दोस्तों, पेंशन भोगी की जो पेंशनर है उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी यदि जो पेंशनर है वो किसी ऐसे नामित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर जीवन प्रमाण पत्र जमा करता है जो कि CPO की जो पुस्तिका है उसके में पैरा संख्या 14.3 के अनुसार जो अनामित अधिकारी दिए गए हैं, ठीक है। तो दोस्तों, जो नामित अधिकारी है उनको आप जो CPAO की पुस्तिका है उसमें किसका 14.3 का जो पैरा है आप उसमें इसकी सूचना पा सकते हैं कि इस प्रकार के अधिकारी कौन कौन है, ठीक है। पेंशनर कैन सबमिट लाइफ सर्टिफिकेट थ्रू जीवन प्रमाण पोर्टल। तो दोस्तों, पेंशनर है जो जीवन प्रमाण पोर्टल से भी अपना जो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है वो जमा कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए दोस्तों कुछ जो आपकी फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक डिवाइस है वो उसकी सूची www.uidiki.gov.in के पर दी गई है, वही आपको आपको फिंगरप्रिंट डिवाइस यूज करनी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अलोंग विद माइटी हैव सक्सेसफुली लॉन्च्ड द इनिशिएटिव ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर डोर स्टेप सर्विस फॉर सबमिशन ऑफ डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट थ्रू पोस्टमैन इन नवंबर 2020। दोस्तों, डाक विभाग के इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने EMEIT के साथ मिलकर पेंशन और पेंशन भोगियों के कल्याण विभाग की पहल को सफलतापूर्वक शुरू किया है। नवंबर 2020 में पोस्टमैन के माध्यम से
डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए डोर स्टेप सर्विस भी उपलब्ध कराई है। ठीक है, आईपीबी यूटिलाइजिंग इट्स नेशनल नेटवर्क ऑफ मोर देन 1,36,000 एक्सेस पॉइंट्स इन पोस्ट ऑफिस एंड मोर देन 1,89,000 पोस्टमैन एंड ग्रामीण डाक सेवक विद स्मार्टफोन एंड बायोमेट्रिक डिवाइस टू प्रोवाइड डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस फॉर जनरेशन ऑफ डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। डाकघरों के दोस्तों 1,36,000 से अधिक पहुंच बिंदुओं का नेटवर्क और 1,89,000 से अधिक डाकिया और ग्रामीण डाक सेवक स्मार्टफोन और बायोमेट्रिक उपकरण के साथ पेंशनरों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाने के लिए डोर स्टेप सुविधाएं भी प्रदान कर रहे हैं। फॉर लेवरेजिंग दिस फैसिलिटी थ्रू मोबाइल फोन इज पेंशनर हैज टू डाउनलोड पोस्ट इन्फॉर्म फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। इसके लिए दोस्तों इस सुविधा का लाभ पाने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से पोस्ट इन्फो ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सबमिशन ऑफ डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट थ्रू पोस्टमैन ग्रामीण डाक सेवक मे बी सीन एट यूट्यूब। तो इसकी जो दोस्तों प्रक्रिया है वो आप मेरे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। ठीक है, तो जो सभी सीनियर सिटीजन हैं वो पोस्ट इन्फो ऐप डाउनलोड करें और अपनी रिक्वेस्ट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को भेजें और घर बैठे डिजिटल सर्टिफिकेट पाएँ।